वाले उपस्थित हुए हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक पुलिस जवान ने वर्दी को दागदार कर दिया है। उसने एक 18 वर्षीय युवती को कमरे में बुलाकर दुष्कर्म किया। आरक्षक को निलंबित कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जिला मुख्यालय के डीआरपी लाइन स्थित डीआरपी लाइन में पदस्थ आरक्षक मनीष पाठक पर जेतापुर निवासी 18 वर्षीय युवती ने बलात्कार का आरोप लगाया। कोतवाली पुलिस ने पीड़ित युवती के बयान के आधार पर आरोपी आरक्षक मनीष पाठक के खिलाफ 376 का मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने आरोपी आरक्षक को जेल भेज दिया। युवती ने आरोप लगाया कि 15 सितंबर को मनीष ने उसे पुलिस लाइन स्थित घर में बुलाकर दुष्कर्म किया। पुलिस प्रशासन के अनुसार मनीष पाठक को निलंबित कर दिया है। उधर पीड़ित युवती का कहना है कि आरोपी मनीष पाठक ने मैसेज भेजकर पीछा किया, इसके बाद मुझसे फोटो बुलाई, मेरी पूरी डिटेल ली और अपने बारे में बताया, मुझे धमकी देकर घर बुलाया और मेरे साथ दुष्कर्म किया। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। समथिंग किसी अजनबी का मैसेज आया था मोबाइल पर, मैंने मैसेज सीन किया, उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया। स्कूल से आने के बाद 1 बजे के समथिंग उसके मैसेजेस आया, उसने उसका नाम बताया मनीष पाठक, उसका पूरा परिचय बताया। उसने बताया मैं डीआरपी लाइन स्थित क्वार्टर में रहता हूँ। उसने उसका पूरा परिचय दिया, उसने मेरे बारे में सारी जानकारी पूछी, कहाँ रहती हो, पापा का नाम, मम्मी का नाम, आपकी फोटो सेंड करो, आपके भाई की फोटो सेंड करो, पापा की फोटो सेंड करो, सभी की पिक सेंड की मैंने। वो शादी तक आ गया था, सारी जानकारी उसने ली, सारी डिटेल्स वो उसने हद पार कर दी थी सारी मैसेजेस की। मैंने उसको ब्लॉक कर दिया था, यहाँ तक कि उसने हॉस्पिटल जाते समय मेरा पीछा भी किया। मैं तो उसे जानती ही नहीं थी, फिर भी उसने सारी फोटो सेंड की मुझे। मैंने सारे मैसेजेस सेंड किए, उसको मना किया, उसके बावजूद भी उसने पीछा किया। ऐसे ही 2-3 रोज उसने मेरा पीछा किया, मेरे घर वालों को किसी को नहीं बताया। डर उसने धमकियां दी थी कि कभी तूने तेरे घर पे बताया तो तेरे माँ बाप और भाई को घर से उठवा लूंगा। इन सब बातों से मैं बहुत भयभीत हो गई थी, मैंने किसी को भी नहीं बताया। और उसके घर पे उसने बुलाकर मेरे साथ बलात्कार किया। सर, ये आरक्षक की गिरफ्तारी हुई है किस मामले में? अभी कुछ दिन पहले एक बालिका द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, उसके साथ पुलिस विभाग में पदस्थ एक आरक्षक के द्वारा जांच की गई है। उक्त बालिका के बयान के आधार पर थाना कोतवाली में 376 का केस रजिस्टर किया गया है। संबंधित आरक्षक को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, उसके निलंबन की कार्रवाई की गई। हाँ, पर पदस्थ अभी पुलिस लाइन में पदस्थ आई और जो अपना अश्वर रोहित दल है उसमें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।